नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद इंडिया की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि सावधान, यदि आप में विटामिन डी की कमी है। अब तक हमने सोचा है कि विटामिन डी की कमी हमारी हड्डियों को कमजोर करती है, हालांकि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमें अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों हड्डियों की मजबूती और मजबूती बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। इसके बिना हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इससे टूटने और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों अस्थमा में भी विटामिन डी की कमी के कारण बहुत सी बीमारियां हो सकती है। शोध में पता चला है कि विटामिन डी की कमी से अस्थमा की शिकायत हो जाती है। विटामिन डी की कमी और फेफड़ों की कार्य क्षमता में सीधा संबंध होता है। बच्चों में यह संबंध विशेष रूप से देखा जाता है। यह बात भी सामने आई है कि विटामिन डी सूजन पैदा करने वाले प्रोटीन को फेफड़ों से दूर करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह सूजन कम करने वाले प्रोटीन को बढ़ाने में भी मदद करता है। दोस्तों, विटामिन डी दिल को रखे सेहतमंद। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रक्तचाप बढ़ने का खतरा होता है। इसके साथ ही शोध यह भी प्रमाणित करते हैं कि शरीर में या विटामिन डी की कमी से हृदय रोग से मृत्यु होने की आशंका भी बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है। और दोस्तों, विटामिन डी की कमी का सीधा संबंध सूजन संबंधी बीमारियों से होता है। शरीर में अगर प्रचुर मात्रा में विटामिन डी ना हो तो हेयर रेह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, लुपस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD और टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारी यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।